सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, आई होप दैट यू गाइज आर लाइकिंग माई इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस प्लेलिस्ट। सो आज भी उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज दिस इज एपिसोड नंबर 6, इन विच वी गोना बी टॉकिंग अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट ईपैम। सो द एजेंडा ऑफ द वीडियो इज गाइज दैट वी गोना बी टॉकिंग अबाउट वॉट इज ईपैम एंड देन वाई देयर यू नो प्लेसमेंट प्रोसीजर इज वे मोर डिफरेंट देन अदर कंपनीज। तो उनका जो प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है बच्चों को सेलेक्ट करने का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर अदर कंपनीज। तो आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं, बिकॉज चीजें अगर पहले पता हो किसी को तो दे आर बेसिकली मोर हेल्पफुल, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद, राइट। तो सारी चीजें हम देखेंगे, कोडिंग चैलेंज 1, कोडिंग चैलेंज 2, एनसीईटी टेस्ट, देन इंटरव्यूज, एचआर इंटरव्यू, डिस्कशन राउंड, मतलब सब कुछ हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ओके ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल वीडियो गाइज, लेट मी टेल यू दैट टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो। तो जिसको क्रायो नहीं पता क्या है, लेट मी जस्ट रोल यू अराउंड विथ क्रायो फॉर 2 मिनट्स। तो अगर तुम देखोगे तो दिस इज लव बबर्स वीडियो ऑन क्रायो। तो तुम पहली चीज ही देख सकते हो, दैट इज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नाउ गाइज, अगर तुम टॉप 50 स्टार्टअप्स की बात करोगे, ठीक है, तो क्रायो इज वन ऑफ देम। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप 50 स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम क्रायो सर्च करते हैं तो क्रायो डॉट डीओ इज वन ऑफ द स्टार्टअप्स जो टॉप 50 में आता है, राइट। नाउ क्रायो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अबाउट क्रायो, उनका मिशन क्या है। देयर मिशन इज बेसिकली टू एम्पावर डेवलपर्स विद हाई क्वालिटी अप्लाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी एट स्केल एंड नर्चर द टैलेंट फॉर द फ्यूचर। नाउ व्हाट डज इट मीन गाइज, दिस क्रायो इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट जो हमारे लाइक मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं आजकल जो कोडिंग वगैरह सिखाती हैं, दे आर नॉट कंसिडरिंग प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट लाइक टू द फुलेस्ट, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जिधर तुम ये चीज कर सकते हो। नाउ अगर हम इनकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो तुम लोग वो भी देख सकते हो कि स्क्वाड स्टैक है, ठीक है, ग्रैब, फाइसी नेटवर्क, देन आयॉन भी आएगी अभी, फिर मतलब दीज आर लाइक टॉप नॉच कंपनीज, उधर दे आर गेटिंग, द स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्लेस, राइट। तो दिस इज वन थिंग। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर लाइक नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तुम टेक्नोलॉजीज के बारे में देखो कि व्हाट यू गाइज विल गोइंग टू एंड अप लर्निंग, तो यार ये सारी चीजें सबसे पहले मैं बता दूं, दे आर इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो सिखाया जाता है, दैट इज व्हाट बीन टॉट ओवर हियर विद द होल थिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट। तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे एंड ऑब्वियसली तुम्हें सोर्स कोड नहीं मिलेगा, यू गाइज हैव टू इम्प्लीमेंट दैट ऑन योर ओन, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। नाउ टेक्नोलॉजीज तुम लोग देख सकते हो, AWS, Bootstrap, CSS, Docker, Express, Git, MongoDB, Linux, HTML, ये सब पे यू विल बी मास्टर देन, ठीक है, यू विल मास्टर दीज टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज यू विल मास्टर हैंड्स ऑन, ठीक है। तो दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलने वाली है यहाँ से, राइट। तो तुम लोग खुद इसको यू नो एक्सप्लोर कर सकते हो, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू बाय देयर कोर्स, देन तुम लोग मेरे लिंक से बाय कर सकते हो, यू गाइज गोइंग टू गेट 15 to 20% एक्स्ट्रा, राइट। सो दिस इज अबाउट क्रायो। नाउ लेट अस गो बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट वाज ईपैम। नाउ गाइज, अगर हम ईपैम के बारे में बात करें तो लेट मी टेल यू कि ईपैम का जो प्रोसीजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट दैट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल उनका यार एक एनसीईटी स्कोर होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज एनसीईटी स्कोर, तो एनसीईटी एक एग्जाम होता है गाइज जो तुम लोगों को पहले देना होता है। नाउ अब मैं इसमें बता देता हूँ बच्चों क्या करते हैं, बच्चे आधे से ज्यादा बच्चे नहीं देते एनसीईटी टेस्ट ही नहीं देते, तो उन्हें लगता है कि कुछ मतलब ऐसी है, फालतू का है, नहीं देते, छोड़ दो, ठीक है। बट वंस यू गिव एनसीईटी स्कोर, देन यू विल ओनली बी क्वालिफाइड टू गेट कोलिक योर कोडिंग चैलेंज 1, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 1 विच यू हैव टू कीप इन माइंड, क्या कि यार एनसीईटी स्कोर ही नहीं आएगा तो तुम्हारे पास कोडिंग चैलेंज 1 नहीं आने वाला, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। नाउ कोडिंग चैलेंज 1 तुम्हारे पास आ जाता है, यू क्लियर कोडिंग चैलेंज 1, यू गेट कोडिंग चैलेंज 2, देन यू गोइंग टू गेट इंटरव्यू टेक, दैट इज एचआर एंड डिस्कशन, तो वो सारी चीजें। नाउ अब मैं तुम्हें पहले, सबसे पहले थोड़ा सा हम किसके बारे में बात करते हैं, ईपैम के बारे में। यार ईपैम अगर तुम देखोगे तो रिसर्च के अकॉर्डिंग, कंपनी वाइज अगर देखेंगे तो ईपैम है सेकेंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, कम्स एट अ सेकेंड नंबर व्हेन इट कम्स टू सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट। सो ईपैम कोई छोटी कंपनी नहीं है। तो अगर तुमको इंफोसिस पता है एंड यू डोंट नो ईपैम, सो यू मस्ट नो व्हाट इज ईपैम, राइट। तो वो एक उस वे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इट्स एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी,
एंड तुम्हें लाइक काफी कुछ सीखने को इधर मिलता है। नाउ अगर मैं और थोड़ा सा बात करूँ तो ईपैम के ड्यूरिंग यार सबसे पहले हमारे को एनसीईटी स्कोर देना था, ठीक है। एंड एनसीईटी स्कोर देने के बाद देन हमारे पास कोडिंग राउंड आया था। इधर दो चैलेंजेस लिखे हैं बट अल्टीमेटली इट वॉज ओनली वन, ठीक है। तो जिसको राउंड टू इन्होंने बोला था, एंड उसमें यार अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस यार काफी डिफिकल्टी मैं बोलूंगा, दे वर नॉट इजी, ठीक है। तो डिफिकल्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक तो ऊप्स बेस था, तो ऊप्स मतलब इनहेरिटेंस वगैरह को देख के तुम्हें वो कोड करना था, ठीक है, मतलब क्लासेस वगैरह को देख के तुम्हें वो कोड करना था। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ जब दिस वॉज फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट वॉज रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। फर्स्ट एरेज का था विच वॉज नॉट एन ईजी प्रॉब्लम, मैं बोलूंगा मीडियम प्रॉब्लम था वो, ठीक है, जो मैं नहीं कर पाया था। बेसिकली कोडिंग राउंड में दो क्वेश्चन थे, एक था मीडियम और एक था टफ, तो मैंने टफ वाला कर दिया था, मुझे मीडियम वाला नहीं हुआ था, ठीक है। तो मीडियम वाला जो था उसका सोल्यूशन मैंने जब बाद में मतलब दोस्त वगैरह से डिस्कस करा, देन आई गॉट टू नो कि थोड़ा सा उसमें दिमाग लगना था एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन था जो मेरे से नहीं हुआ था उस टाइम पे। एंड सेकेंड क्वेश्चन था विच वॉज रिलेटेड टू ग्राफ्स, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स का वो क्वेश्चन था। तो दैट वॉज मतलब पेयर क्लास वगैरह उसको बना के कर देना था, तो दैट आई वॉज एबल टू डू, राइट। सो अगर दो क्वेश्चन की बात करें, अगर तुम एक कर पा रहे हो और ऊप्स वगैरह को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो यू विल गोइंग टू क्लियर दिस कोडिंग राउंड टू, ठीक है। नाउ कोडिंग राउंड टू अगर क्लियर हो जाता है गाइस, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर्स यू विल गोइंग टू गेट अ डिस्कशन राउंड, ठीक है। तो वो ग्रुप डिस्कशन का राउंड था वेयर हमारे पास आई गेस 15 स्टूडेंट्स थे जो टीम्स पे हमारा मतलब वो बनाया हुआ था इन्होंने। तो लाइक एक वीक के गैप के बाद हमारे पास वो आया था। एंड देन ग्रुप डिस्कशन हमें वहाँ पे एक राउंड था जिसको ग्रुप डिस्कशन बोला था, जिधर कोई एलिमिनेशन लाइक एलिमिनेशन वॉज मिनिमल, ठीक है, उस राउंड में एलिमिनेशन वॉज मिनिमल। एंड देन हमारे पास इंटरव्यू का मेल आया था कि योर इंटरव्यू हैज बीन शेड्यूल्ड ऑन दिस एंड दिस डेट। तो इंटरव्यू की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ गाइस, तो इंटरव्यू में अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू में लाइक इंटरव्यू आसान नहीं बोलूंगा, द इंटरव्यू वॉज नॉट ईजी एंड नॉट टफ एज वेल। मतलब क्वेश्चन थे जो मिक्सअप थे, रैप अप थे, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये कोडिंग चैलेंज दे के आ रहा है तो वो इस कोडिंग चैलेंज में जो क्वेश्चन थे उस पर पक्का डिस्कशन होगी, ठीक है। मैंने जीएफजी वगैरह पे भी पढ़ा था तो ये वहाँ लिखा था एंड एक्चुअल में वो हुआ था, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस तुम ऊप्स वगैरह से क्वेश्चन वो कर सकते हो, बट नॉट डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा कुछ भी कि इनहेरिटेंस बता दो या इंटरफेस बता दो क्या होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होंगे तो दैट यू हैव टू फोकस ऑन, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आई वुड से कि टेक्निकल राउंड वॉज नॉट दैट टफ एंड आई वुड से द टेक्निकल राउंड वॉज नॉट दैट ईजी। तो ये एक चीज है, ठीक है। नाउ इसके बाद द वन हु क्लियर्स द टेक्निकल राउंड गोज फॉर द एचआर राउंड। तो अभी तक मेरे पास यार टेक्निकल इंटरव्यू का ही वो आया है कि एचआर योर एचआर विल बी शेड्यूल्ड ऑन सो एंड सो डेट। तो एचआर जब शेड्यूल होगा तब देखते हैं कि लाइक एचआर में बोलते हैं दैट नोबडी यू नो फेल्स एचआर राउंड, तो वो सारी चीजें होती है। नाउ ये सारी चीजें यार मैंने बताई तुम्हें। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो द पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज बेसिकली योर एनसीईटी स्कोर, ठीक है। तो तुम एनसीईटी का पेपर ही नहीं दोगे, क्योंकि मैं अपने कैंपस की बता रहा हूँ, मैंने मेरे कैंपस में लाइक मोस्ट ऑफ द बच्चों ने पता नहीं एनसीईटी स्कोर दिया था या नहीं दिया था, बट वेरी फ्यू वर देयर इन द कोडिंग चैलेंज। एक्चुअल कोडिंग चैलेंज में जो था वो बहुत कम बच्चे थे। तो दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड यू थिंक कि तुम्हारे कैंपस में ईपैम आ रही है, ठीक है, इट्स पैकेज पैकेज की अगर हम बात करें तो पैकेज कुछ ज़्यादा नहीं है, 6 to 7 के अराउंड इनका पैकेज है, ठीक है। पैकेज इज नॉट वो ज़्यादा, बट अगर हाँ सर्विस बेस्ड कंपनीज में देखेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच कंपनीज। एंड उसमें तुम्हें प्रोसीजर देखोगे तो बहुत सिंपल है, एनसीईटी का स्कोर देना है। बस ये ध्यान रखना कि एनसीईटी का जब भी पेपर आए तुम्हें वो पेपर देना है, अटेम्प्ट करना है। तुम देख भी सकते हो इसमें लिखा है अटेम्प्ट बिफोर 12th of September। तो 12th of September से हमें पहले एनसीईटी स्कोर देना था एंड तब से अब तक दैट इज 6th of October तक इनका पूरा प्रोसीजर चल रहा है, राइट। तो दिस इज वन थिंग विच यू गाइज हैव टू कीप इन माइंड। एंड अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में देख सकते हो सीएसआईटी एंड ईसी इन एनी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम ओनली। तो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था ये रोल। एंड टेस्ट ऑटोमेशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारी जो ब्रांचेस थी उसके लिए टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर की प्रोफाइल थी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गाइज ईपैम। अगर तुम्हें कुछ क्वेरी होती है, बिकॉज मैं पर्सनली मेरे को काफ़ी मेल्स आए थे कि भाई तेरा इंटरव्यू मतलब किसी ने देखा होगा कम्युनिटी टैब में कि आई एम गोना अपलोड नेक्स्ट वीडियो ऑन ईपैम, तो उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है कि यू गेट योर इंटरव्यू लाइक राउंड और नॉट। तो गाइज आई हैव डन माई इंटरव्यू राउंड एंड नाउ नेक्स्ट राउंड विल बी एन एच आर राउंड दैट दे विल गोइंग टू शेड्यूल फॉर मी।
तो दिस इज वन थिंग, राइट। तो अच्छा एक चीज और गाइस, जो मेरा इस में इंटरव्यूअर था, बेसिकली ईपैम का जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, इसमें जो मेरा इंटरव्यूअर था, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूअर आई हैव हैवर हैड, ठीक है। तो मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यू दिए हैं उनमें से अब तक का ही वॉज द बेस्ट, लाइक वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूअर यू कुड से। तो दिस इज वन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर यू जस्ट, ठीक है। तो ये चीज़, नाउ क्वेश्चंस वर मैंने बता दिए टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम मीडियम टू इजी, कोई ज़्यादा मतलब टेक्निकल टर्म्स में ज़्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, ठीक है। एंड सो दिस इज इट गाइज, आई होप दैट यू गाइज हैव यू नो आइडिया लग गया होगा कि अगर तुम्हारे कैंपस में आ रही है ईपैम क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर और कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई एम गोना रिप्लाई देयर, और लिंक्डइन पे आ जाना, बात कर लेना जिसको जो भी क्वेरी होती है उससे रिलेटेड, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो गाइज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज, एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज।